तो आपने दो लोगों ने ऐप दिखाई है। अच्छा, तो आप ये सवाल पूछ रहे थे कि सर ये जो वेदर की एपीआई है वो क्या करती है, काफ़ी डिफरेंट आंसर दे रही है गूगल वाले से। तो इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेदर की जो जो डेटा होता है वेदर का, वो काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क्स। मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिया था कि वेदर स्टेशन होते हैं, वहाँ पर डेटा आता है। अच्छा, मैं अब स्पेसिफिकली आपको ना टेक्नोलॉजी के परस्पेक्टिव में बताऊंगा कि वेदर के ना डिफरेंट चैनल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जैसे एक जो बहुत सारे वेदर स्टेशन हैं वो मिसाल के तौर पे एयरफोर्स वालों ने लगाए हुए हैं, वो उनके अपने यूज़ के लिए, ठीक है। अच्छा, एक महकमा मौसमियात है, वो एक चैनल है। महकमा मौसमियात क्या करता है, अब वो कहीं से भी कलेक्ट कर रहा है वेदर, वो इट डजेंट मैटर। मे बी वो आर्मी से और मिलिट्री से भी कोलेबरेट करता हूँ, उनसे भी डेटा कुछ ले लेता हूँ, लेकिन वो एक डिफरेंट वेदर चैनल है। अच्छा, वो किसके लिए होता है, वो आम लोगों के लिए होता है। अच्छा, जाहिर है जो चीज़ आम लोगों के लिए होती है उसमें कुछ ना कुछ सेंसर भी हुआ होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे सम टाइम पॉलिटिकल रीजन की वजह से या सेफ्टी रीजंस की वजह से वो जो महकमा मौसमियात है वो आपको बिल्कुल एक्चुअल वेदर नहीं बताता, थोड़ा सा उसको चेंज करके भी बता सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल और ये करना पड़ता है। टीवी चैनल्स में भी आपको पता है कि हर तरह की चीज़ नहीं दिखाई जा सकती, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है आम लोगों के तहफ़ के लिए, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी की वजह से या इंतशार फैलने का भी डर हो सकता है, ठीक है। तो सम टाइम अगर बहुत एक्सट्रीम प्रिडिक्शन अगर कोई कर देते हैं, क्या कहते हैं महकमे मौसमियात वाले, तो उससे आवाम में इंतशार फैल सकता है ऑफकोर्स। तो फिर वो उसको ना थोड़ा डीले करते हैं, होल्ड करते हैं, वो फ़ौरन नहीं बताते, वो मेक श्योर करते हैं कि अच्छा क्या वाकई होने वाला है, ठीक है। तो डिफरेंट वेदर चैनल्स होते हैं, समझ रही हो ये बात। अच्छा, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो वेदर चैनल है वो सबसे जो बड़ा चैनल है ना वो इनका है, IBM वालों का, दी वेदर चैनल के नाम से। ये दी weather.com करके ये, और ये इनका नाम है दी वेदर चैनल, ये IBM वालों के हाथ में चल रहा है अभी, ठीक है। इनका सबसे बड़ा चैनल है। जो एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस हैं वो जो वेदर का डेटा लेते हैं ना वो इनसे लेते हैं, ठीक है। weather.com है ये। अच्छा, फिर आप जब गूगल पे जाके लिखते हैं वेदर, तो क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, गूगल में जाके जब आप वेदर लिखते हैं तो ये आपको वेदर तो बता देता है यहाँ पर, लेकिन साथ में नीचे ये क्या लिख के देता है कि कौन से चैनल से ये वेदर उठा के ला रहा है आपके लिए। जी 2 मिनट में भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये ना नीचे बता रहा है कि कौन से चैनल से आपको ये मिल रहा है डेटा, कहाँ से लेकर आ रहा है ये, तो ये लाता है वेदर चैनल से। अच्छा, एंड्रॉयड की भी जो डिवाइसेज हैं जो अब जो आ रही हैं, जो नए वाले ओएस हैं, वो भी इन्हीं से ही लेते हैं मोस्ट प्रॉब्ली डेटा। अच्छा, एक ये हो गया। अब वो जो ओपन वेदर है ना वो कौन से चैनल से लाता है डेटा, ये अभी तक हमने देखा नहीं है, ठीक है। इसके अबाउट में जाके ज़रा देखते हैं, शायद इन्होंने बताया वो, मे बी हाउ टू स्टार्ट अबाउट का इनका, यार अबाउट तो है ही नहीं, पार्टनर्स में देखते हैं, वहाँ पे आ रहा होगा शायद। गूगल वेदर बेस्ड कंपेन मैनेजमेंट विद ओपन वेदर API। लीफलेट जावा पता नहीं, और अच्छा यहाँ पे ये वो वाली बात नहीं कर रहे, पार्टनर मैप प्राइसिंग मार्केट प्लेस। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसी मुझे जगह भी नज़र नहीं आ रही कि जहाँ पे ये बता रहे हो, अबाउट तो आ ही नहीं रहा इसके अंदर, FAQs में देखते हैं शायद। मैंने कंट्रोल एफ किया, चैनल लिखा, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने एक्सपोज नहीं किया हुआ, मेंशन नहीं किया हुआ कि ये कहाँ से लाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाके लिखूँ लिस्ट ऑफ वेदर चैनल्स, ठीक है, ये कुछ बड़े बड़े वेदर चैनल के नाम आ गए। एक अक्कू वेदर करके है, ये भी एक बहुत बड़ा वेदर चैनल है, ठीक है, बड़ा फेमस है, इनकी ऐप भी बड़ी अच्छी है। उसके अलावा ये लोकल पता नहीं क्या करके है, NOAA करके है। तो डिफरेंट ना वेदर चैनल्स होते हैं, ये टीवी चैनल की बात नहीं हुई, मोस्ट प्रॉब्ली ये तो मुझे टीवी चैनल की लिस्ट दिखा रहा है बाय द वे ये, क्योंकि ये नोवा वेदर रेडियो करके कुछ है, आई एम नॉट श्योर। बट इस तरह ना पूरी दुनिया में एक तो हर कंट्री का एक ऑफिशियल वेदर चैनल होता है, यानी मिसाल के तौर पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महकमा मौसमियात वाले जो डेटा बता रहे हैं ना आपको, गूगल भी वही बताए,
मैं मौसमियात वाले बोलेंगे कि हमारे चैनल से हम ये बता रहे हैं, आपको बिलीव करना करो, नहीं करना छोड़ो। आपको गूगल के डेटा पे बिलीव करना है, वहाँ पे बिलीव कर लो, ठीक है। मतलब अलग अलग वेदर चैनल है। अच्छा, अलग अलग वेदर चैनल में डेटा एंटायरली डिफरेंट हो सकता है, ग्लिच की वजह से भी हो सकता है और उसके दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि कौन से रीजन के लोग किस वाले चैनल पे बिलीव करते हैं या किस वाले चैनल के मुताबिक उनको चलना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हमारी जो पाकिस्तान की जो PIA की फ़्लाइट्स हैं, वो तो ज़ाहिर है महकमे मौसमियात की उस पर चलेंगी ना, या उनका जो एविएशन का अपना कोई चैनल हो, आई एम नॉट श्योर, उस पर चलेंगी वो। अच्छा, US वाले जो हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली US का अपना कोई ऑफिशियल होगा, मिलिट्री का कोई वेदर चैनल होगा, वो वहाँ से वेदर लेते होंगे, नो मैटर वॉट कि गूगल क्या बता रहा है, इट डजेंट मैटर, वो उसका वेदर लेंगे भले वो गलत ही बता रहा हो। अच्छा, फिर ये वेदर चैनल की इंटेंसिटी भी अलग अलग होती है। एक तो जैसे मैंने बताया ना कि आम लोगों के लिए होता है, सेंसर हुआ हुआ डेटा होता है उसमें ज़्यादातर, एक होता है क्रिटिकल लेवल वाला जो मिलिट्री यूजेस में होता है, जो एयर एविएशन वाले जो यूज़ करते हैं, वो क्रिटिकल वहाँ पे सिचुएशन होती है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं एक WHO के एक बंदे से एक मुलाकात हुई थी किसी कॉन्फ्रेंस में, तो उसने मुझे एक ऐप दिखाई, वो क्या कहते हैं, वो ये ऐप में दिख रहा था कि इस वक्त किस जगह पे कितना क्लाउड है, यानी सैटेलाइट से जो है ना वो इमेज लेते हैं जब, तो जहाँ पे क्लाउड होता है वहाँ से लाइट टकरा के वापस सैटेलाइट पे जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि किस जगह पे इस वक्त क्या इंडेक्स है रोशनी का, क्या इंडेक्स है। अच्छा, इसकी क्या हमें ज़रूरत है, एक आम बंदे को क्या इसकी ज़रूरत है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे बादल कितने हज़ार फिट पे बादल हैं और कितने बादल हैं और कितना वो UV नीचे आ रहे हैं, कितना UV रिटर्न हो जा रहा है, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो कह रहा था हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल होता है, मिशन क्रिटिकल चीज़ है ये, क्योंकि जो वो UN के किसी उस फोर्स में था, वो जो यानी एमरजेंसी फोर्स होती है ना कि कहीं की, जी भेजता हूँ, तो हाँ वो एमरजेंसी रिस्पॉन्स करके, रैपिड रिस्पॉन्स करके कुछ था उसका, तो क्या कहते हैं, वो खुद तो वह सूट बूट वाला बंदा था, वो खुद नहीं जाता होगा, कह रहा लेकिन हमारा काम होता है हम रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई भी कहीं पर इस तरह की चीज़ होती है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इसी तरह उसने एक और मुझे ऐप दिखाई थी, उसमें दुनिया में जितनी भी जो पानी वाले जहाज़ चल रहे हैं वो उसमें चलते हुए दिख रहे थे रियल टाइम, और उसका पाथवे भी दिख रहा था कि ये जाना कहाँ है इसको, क्योंकि वो सफ़र स्टार्ट करने से पहले डेस्टिनेशन सेट होती है कि यार ये यहाँ जा रहा है, तो वो डेस्टिनेशन भी दिख रहा था उसमें, सब कुछ दिख रहा था। तो इस तरह की वो काफ़ी चीज़ें उसने मुझे दिखाई जो हमें हमारे किसी काम की नहीं है, हम क्या करेंगे किसी कश्ती को कि कश्ती कहाँ जा रही है, ठीक है। वो कह रहा था हम इसको ट्रैक करते हैं, वो ऑयल का कोई मसला चल रहा था, ऑयल स्पिल, ये टैंकर वाले क्या करते थे कि कोई अगर अब ऑयल है ना, डिलीवरी कैंसिल हो गई, कुछ हो गई, वो बीच समंदर में जाके नलका खोल देते थे उधर, और पूरा उधर भागे साइड पे हो गए, या ट्रैवल कर रहे हैं, अब जाहिर है जब पानी जहाज़ जब चलता है तो उसके इंजन से कुछ मटेरियल निकलता है ना, जो ऑयल इस्तेमाल शुदा ऑयल है, फिर अब जाहिर है जो उसके अंदर, जैसे गाड़ी में भी हमारे एक सिस्टम होता है तो वो कार्बन जनरेट कर रहा होता है, तो उसको फिर करते हैं क्या पता नहीं उसको बोलते हैं, वो जो पानी डालते हैं तो ब्लैक निकलता है, कैटलिटिक कन्वर्टर, इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं सर, दो मिनट तो कैटलिटिक कन्वर्टर वगैरह इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं, तो उसमें ना नीचे एक वेस्ट का टैंक बना हुआ होता है जिसमें वो जमा होता रहता है, तो वो हर 6 महीने 8 महीने पे ना जब जहाज़ साइड पे आता है तो उसको क्लीन करना पड़ता है। अब कोई जहाज़ ज़्यादा सर्विस में लंबी में फुल हो गया, वो बीच में खोल देता है उसको, जिससे वो समुद्री जो लाइफ है उसको बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। तो इस इन चीज़ों को लेकर, और फिर जाहिर है कुछ उसमें क्राइम भी होते हैं, जो बीच रास्ते में इतना बड़ा समुंदर है, सहरा है, समुंदर सबसे बड़ा सहरा है, वहाँ पे क्राइम भी होते हैं बहुत सारे, उन चीज़ों को देखते हुए कि कौन सी ट्रैफिकिंग हो रही है, क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेट करती हैं उनके लिए, क्योंकि वो मिशन क्रिटिकल चल रहा है, ठीक है। तो वेदर चैनल अलग अलग होने की वजह से ना आपको डिफरेंट चैनल से डिफरेंट वेदर मिलेगा, दिस इज़ पॉसिबल। अच्छा, अब ज़रा ये नमाज़ पढ़ के आ जाएँ आप लोग, फिर हम ना ये ज़रा करते हैं, इस वेदर ऐप को कंप्लीट करते हैं। जैसे इन्होंने बनाया हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 18:33, फिर उसके बाद 21:33, दिस इज़ नॉट द वे ना, ऐसे नहीं लिखा जाता टाइम, आमतौर पे ह्यूमंस को इस तरह समझ नहीं आता, ठीक है। अच्छा, बल्कि बेहतर तो ये होता है कि इसमें लिखा हुआ होता डे, लिखा हुआ होता कि भाई जैसे आज मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये पूरा वीक मुझे दिख जाता,
ठीक है, तो अभी इसका क्या करें, मतलब टाइम को क्या क्या कन्वर्ट करें। जावास्क्रिप्ट में बाय द वे टाइम वगैरह कन्वर्ट करने के सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका कोई आसान हल है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जैसे इन्होंने ना यहाँ पे जो बनाया है इसमें पूरी पूरी ये डेट लिखी हुई है उन्होंने, ठीक है, जो कि API से इसी तरह आ रहा है डेट हमारे पास, तो क्या हमें ऐसे डेट लिखनी चाहिए पूरी पूरी, ठीक है, तो इसमें भी या तो दिन होना चाहिए या तो ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए कि वेनसडे या जो भी मंडे है, और मंडे ये क्या होता है 21 कितना होता है 9 PM, ठीक है, तो ऐसे 9 PM होना चाहिए और 10 PM फिर 11 PM ऐसे करके होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है Movement.js, ठीक है, ये Movement.js है लाइब्रेरी। अच्छा, तो मैं सबसे पहले तो ना इसका CDN निकाल लेता हूँ मैं Movement.js का। हम लास्ट टाइम हम लाइब्रेरी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लाइब्रेरी हमने पढ़ी थी ना कि भाई फंक्शन होता है तो फंक्शन की लाइब्रेरी होती है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास जो यहाँ पे आ रहा है ना response.data, इसके अंदर टाइम वगैरह आ रहा है, डेट वगैरह सब आ रही है, लेकिन मुझे डेट को वैसे नहीं दिखाना जैसे वो भेज रहे हैं मुझे, वो तो अपने हिसाब से, लेकिन मुझे 9 PM दिखाना है, मतलब मुझे क्या तारीख है, क्या महीना है, 2022 है, वो नहीं दिखा, क्योंकि अगले 5 दिन का जब मैंने बोला हुआ वहाँ पे कि 5-day forecast, तो मतलब है 8 से 5 दिन, तो पता है बंदों को कि 2022 है, मुझे वो नहीं दिखाना, ठीक है। या मिसाल के तौर पर सम टाइम आपने देखा होगा फेसबुक पे जब आप पोस्ट करते हैं तो वो लिखा हुआ है कि 30 मिनट अगो ये पोस्ट हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर आप रिफ्रेश करते हैं तो वो 31 मिनट अगो हो जाता है, होता है ना ऐसा, तो ये इस तरह अगर दिखाना हो तो ये सारे काम ना Movement.js करके एक पूरी लाइब्रेरी है, इसमें हज़ारों की तादाद में फंक्शन मौजूद है, ये सारे काम आपको करके देते हैं, ठीक है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार कैसे होगा क्या होगा, हो जाता है जावास्क्रिप्ट में, थोड़ा टाइम लगेगा आप खुद करेंगे तो। अच्छा, तो पहले मैं क्या बोलता हूँ, Movement.js CDN, इसका जो लिंक होता है ना, जैसे आपका अगर अपना कोड लिखते हैं आप किसी अलग जावास्क्रिप्ट की फाइल में तो उसको आप स्क्रिप्ट के टैग से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये CDN आ गया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। ये CDN.js एक वेबसाइट है, इसके पास हर लाइब्रेरी का CDN होता है, किसी का भी नाम लिखे तो मैंने लिखा Movement.js CDN और तो ये मुझे यहाँ लेकर आ गया। Movement.js की अपनी वेबसाइट पर भी कहीं ना कहीं CDN मेंशन हुआ वो होगा, ठीक है। मेनली इसके अंदर ये बता रहे हैं कि भाई NPM से इंस्टॉल होगा, लेकिन अभी वो हमने NPM पढ़ा नहीं है, वो हम सर्वर जब पढ़ेंगे फिर देखेंगे उसको कि NPM वगैरह क्या चीज़ होती है। अच्छा, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे आके यहाँ पे इसके हेड में ये स्क्रिप्ट लोड करवा देनी है। अच्छा, ये स्क्रिप्ट कैसे लोड होगी, ये स्क्रिप्ट का टैग मुझे लगाना पड़ेगा ना, पहले स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ेगा और इसमें SRC करके ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब ये स्क्रिप्ट की एक फाइल है असल में, वो CDN जो है ना वो एक रिमोट से उठ के एक फाइल आती है। इस फाइल को बाय द वे मैं देख भी सकता हूँ कि ये क्या है, मैं जाके ना नए टैब में इसका लिंक पेस्ट करूँगा, ये है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है, ये उन्होंने लिख के उसको मिनीफाई किया हुआ है असल में, ठीक है, मिनीफाई इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि लिखा हुआ क्या है। ये मिनीफिकेशन एक टेक्निक होती है जिससे कोड का साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक है, आप देखें ना इसके अंदर स्पेसेस वगैरह ख़त्म कर दिए इन्होंने, वाइट स्पेसेस। अच्छा, ये मैं इसके URL में से min हटा दूंगा ना, ये min.js का मतलब है मिनीफाइड फाइल है, ये min हटा दूंगा तो वो बगैर मिनीफाइड वाली खोल देगा, ये ना दोनों अवेलेबल होती है जो आप लगाना चाहें। इसमें देखें आप थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है कोड आपको, लेकिन स्टिल दिस इज़ अ वेरी 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 लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग फाइल। इसमें अब मुझे नहीं पता कितने फंक्शन है, 100, 200, 300 फंक्शन होंगे इसमें, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन बने हुए और टेस्टेड हैं और कम्युनिटी है पूरी जो उसको बैक कर रही है, कोई भी मसला होता है तो वो फिक्स भी करता है इसको। तो वो सारे फंक्शन अब क्या हो गए, ये लाइन लिखने से वो सारे फंक्शन मेरे कोड में अब अवेलेबल हो गए हैं इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इस्तेमाल कैसे करता हूँ, इसको मैं इस्तेमाल ऐसे करता हूँ, ये स्क्रिप्ट की फाइल में आके सिंपल मैं बोलता हूँ कि मोमेंट Movement ऐसे किया मैंने, और Movement के आगे आके मैंने क्या बोला, मतलब मुझे API से जो डेट आती है वो किस तरह की आती है, ये डेट आती है ना API से मुझे, तो मैंने इसको भेज दिया एज इट इज़, मैंने कहा ये मिली है मुझे डेट API से, अभी मैं हाथ से दे रहा हूँ, वो API वाला डेटा थोड़ी देर में देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बोलूँगा, अच्छा ये मैं कर कहाँ से रहा हूँ, ये मैं कहाँ से देख के कर रहा हूँ, ये मैं इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में से देख के कर रहा हूँ। ये इनकी पहला पेज है इनका Movement.js पे आप जाएंगे जब, तो क्या होता है ये
पहला पेज आपको ये दिखाता है, इसमें ये क्या कह रहा है, कह रहा है भाई मोमेंट लिखो आप। मोमेंट लिखने से क्या होता है, सिस्टम का करंट टाइम उठा के ले आता है, सिस्टम का अभी का जो करंट टाइम है वो उठा के ले आता है। लेकिन अगर मोमेंट के अंदर आप कोई टाइम खुद से लिख दो तो फिर वो वाला टाइम लेकर आता है उठा के। अच्छा, उस पर मैंने लिखा डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट लिख के ना देखो ये फॉर्मेट मैं लिख सकता हूँ इस तरह। अब मुझे सिर्फ इसमें मंडे चाहिए या मुझे चाहिए सितंबर 12th 2022, ठीक है, या मुझे सिर्फ डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट चाहिए इस तरह का, तो ये सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। इस फॉर्मेट की पूरी एक लिस्ट भी है। अच्छा, मुझे रिलेटिव टाइम चाहिए अगर, कि भाई 5 hours ago 10 minutes ago, सही है, इस तरह करके, तो मैं फ्रॉम नाउ लिखूँगा तो मुझे मिल जाएगा। इसी मोमेंट के ऊपर डॉट फ्रॉम नाउ लगा दूँगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कैलेंडर का टाइम अगर चाहिए मुझे तो डॉट कैलेंडर लिखूँगा तो वो कैलेंडर की फॉर्म में दे देगा मुझे, जो भी चीज़ लिखी होगी वो कैलेंडर की फॉर्म में लगा के दे देगा, ठीक है। ठीक है, मतलब टाइम में मैं सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकता हूँ, जो भी अभी टाइम हो रहा है मैंने कहा सब्ट्रैक्ट करो 10 days, तो वो 10 days पीछे का मुझे निकाल के ला के दे देगा, ठीक है। या इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ कि अभी का टाइम उठाओ ऐड 3 days, तो वो बोलेगा थर्सडे इतने बज के इतने मिनट पर बनेगा। ये शुरू में तो असल में ये टेजर दिया हुआ है इन्होंने, वो असल डॉक्यूमेंटेशन तो पूरी अंदर इन्होंने बताई हुई है। तो मैं डॉक्स में जाता हूँ और डॉक्स में जाके ना वो फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं इसमें वो ज़रा देख लेता हूँ। पार्स में होगा शायद, हाँ ये रहा डॉट फॉर्मेट कहाँ पर है, डिस्प्ले में होगा मे बी, ये रहा यहाँ पे देखो फॉर्मेट बता रहा है। अब ये फॉर्मेट ना कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं। अच्छा, ये किसने बताया, मैं लाइब्रेरी ने बताया, हो सकता है टाइम को मैनिपुलेट करने की कोई दूसरी लाइब्रेरी होती हो, वो यही काम किसी दूसरे अंदाज से करती हो। तो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन हम किसकी पढ़ेंगे, जो लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी पढ़ेंगे, ठीक है। सिंगल एम का मतलब है कि 1 से लेकर 12 तक होगा कुछ, एम ओ का मतलब है कि फर्स्ट सेकंड ऐसे करके होगा, डबल एम का मतलब है 0102 से 12 तक ऐसे होगा। तो मुझे जिस फॉर्म में भी चाहिए मैं ले सकता हूँ। अच्छा, तो इस केस में, यहाँ इस स्पेसिफिक केस में मुझे क्या चाहिए इसकी जगह पर, मुझे डे चाहिए और मुझे 9 PM चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे वेनसडे 9 PM, उसके बाद 12 AM, 12 AM पे वो वेनसडे हो जाएगा मंडे से, ठीक है। तो मुझे ऐसे करके चाहिए, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेरे इस काम के लिए मुझे फॉर्मेट कौन सा अवेलेबल है। एक तो मुझे चाहिए PM वाला ना, एयर ऑफ वीक आवर गिरा, ये देख रहा हूँ मुझे ये चाहिए। कैपिटल एच लिखूंगा मैं तो क्या मिलता है, 1 से लेकर 23 तक, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो एम पी एम वाला। अच्छा, सिर्फ सिंगल एच लिखूंगा तो मुझे क्या मिलता है, 1 से 12 तक मिलता है आवर, और ये मिनट मिल जाता है, ठीक है। मुझे मिनट नहीं चाहिए, मुझे 9 PM बस, मिनट से लेना देना नहीं है। अच्छा, PM AM किस में होता है, कैपिटल लिखूंगा तो कैपिटल से MPM देगा, स्मॉल ए लिखूंगा तो स्मॉल से MPM देगा। तो ये हम फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे आया और मैंने कहा डॉट फॉर्मेट, ठीक है, और फॉर्मेट में सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एच, स्मॉल एच था ना, क्या था, हाँ स्मॉल एच लिखा मैंने, और मैंने कहा स्पेस डाल के क्या कर दो, AM PM लगा दो, ए का मतलब है AM PM, सही है, यहाँ से स्मॉल ए देख रहा हूँ मैं। अच्छा, और वेनसडे ट्यूसडे कैसे मिलेगा मुझे, वो है इसमें डेज डेज डेज, ये रहा। संडे मंडे पूरा चाहिए अगर तो 4 times D, सन मन चाहिए तो 3 times, और एस यू या फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स्थ ऐसे 0 से 6 तक भी मिलेगा, ये हर तरह से दे रहा है। तो हमें चाहिए आई थिंक थर्ड वाला, 3 days वाला। तो मुझे क्या दिखाना था, मुझे दिखाना है, ठीक है, मंडे 9 और PM, मे बी 9 और PM शायद मिला के होगा, सही है, 9 और PM मे बी मिला कर रखूँगा मैं ऐसे। तो ये मैंने एक फॉर्मेट बता दिया, ठीक है, फॉर्मेट का टी में सर टी लगा देता हूँ। तो ये मुझे क्या दे देगा, ये पूरी चीज़ मुझे क्या रिटर्न करेगी, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगी इस टाइम को जो मैंने इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर ये टाइम ना लिखूँ, इसको मैं खाली छोड़ दूँ तो क्या करेगा, सिस्टम का टाइम उठा के उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन मुझे, मेरे पास तो टाइम है, दिया हुआ है मैंने टाइम, तो इसको मुझे किसी वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा या तो डायरेक्ट कंसोल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई फॉर्मेटेड
टाइम इक्वल्स टू ऐसे करके मैंने लगा दिया, और ये फॉर्मेटेड टाइम को मैं कहाँ करवा देता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग करवा देता हूँ। तो देखते हैं कि जी हमारे मर्जी का जो फॉर्मेट इसने बना दिया है कि नहीं बना दिया। कहाँ गई हमारी वाली ऐप, ओए बंद कर दी क्या मैंने वो, चलो दोबारा खोल लेते हैं, कोई नहीं, कॉपी पाथ, ठीक है। वो क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल में सबसे टॉप पे लिखा था तो वो ऑटोमेटिक चल गया। देखें मंडे 9 PM ऐसा लिखा हुआ गया। अब मैं कोई भी फॉर्मेट बना सकता हूँ इससे, लिटरली मैं डेट मुझे चाहिए वो भी लगा सकता हूँ, 2022 भी लगा सकता हूँ, नहीं लगाना जो नहीं लगाऊँ लगा दूँगा, सही है। तो ऐसे करके मैं लिखूँगा, तो ऐसे फॉरकास्ट मैं बहुत ईजिली पकड़ सकता हूँ यहाँ से। अच्छा तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा हमारी ऐप है ना ये वाली, इसको हम ना मज़ीद ज़रा आगे बढ़ाते हैं। इसको क्या करते हैं, मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आगे इसमें क्या क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पे इसमें मुझे ये जो 9 PM था, ये फॉरकास्ट तो अभी ये 12 नहीं दिखा रहा मैं, अभी तो मैं दिखा रहा हूँ नाओ, ठीक है। तो कराची के साथ नाओ लिख देता हूँ मैं ताकि नाओ वाला पता चल जाए। तो ये 2 लाइन का जो कोड है इसको मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल के लिए इसको मैं कॉमेंट कर देता हूँ, और अपने जो अभी वाला कोड है, अच्छा मेरे पास भी ना शुरू में ये ऐसे सर्कल बना हुआ आता है, ये क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, ये जो शुरू में मैंने HTML लिखा है ना, ये शुरू में नहीं लिखूँगा मैं, कब लिखूँगा मैं, इसको कट कर दिया मैंने यहाँ से, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको मैंने कट कर दिया, और कट करने के बाद इसको मैं कहाँ लाया, axios.get का जब रिस्पॉन्स आता है ना, तो रिस्पॉन्स आते ही पहली लाइन में मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पर ऐड करना है। कैसे ऐड करना है भला, किस चीज़ में ऐड करूँगा मैं इसको, मैं बॉडी उठाऊँगा और बॉडी के एंड में इसको अपेंड करूँगा मैं, यही करूँगा ना। या मे बी मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे पहले से एक डिव बना दूँ, एक डिव बना देता हूँ मैं, सही है। ये वेदर कार्ड, अच्छा नहीं वेदर कार्ड पे ही तो मैंने वो बॉर्डर लगाया हुआ है, वेदर कार्ड जो है उसी पे ही तो मैंने बॉर्डर लगाया हुआ है, ऐसे ही है ना। देख लेते हैं कि कौन सा है जिस पर बॉर्डर लगा हुआ है, हाँ वेदर कार्ड ही जिस पर बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो वेल अभी देखते हैं कुछ करते हैं। अच्छा तो मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई जो बॉडी है बॉडी लिख दूंगा मैं। अगर मैं हैश ना लगाऊं, मैं सिर्फ क्या करूं, सिर्फ नाम लिखूं, तो ये क्या करता है, उस नाम से पकड़ के लाता है। कहाँ कर दिया मैंने वो, अच्छा ये रहा, सिर्फ मैं बॉडी लिखूंगा ना तो बॉडी को उठा के ले आएगा टैग के नाम से, जो पहला वाला मिलेगा वो, मतलब 2-3 है ना तो सबसे फर्स्ट जो होगा वो लेकर आ जाएगा। अच्छा मैंने कहा बॉडी को पकड़ो और डॉट इनर HTML जो है उसका वो क्या करो, प्लस इक्वल्स टू, क्योंकि पहले जो है वो अपनी जगह पे रहे, उसके आगे से ही ऐड करो, ठीक हो गया। तो ये हमने करवा दिया, इससे बाई द वे एक मसला होगा, देखते हैं अभी वो मसला होता है नहीं होता, नहीं हुआ यार, सही चल गया, वेल पता नहीं कैसे चल गया सही, इसको चलना नहीं चाहिए था बाई द वे सही, वो चलना इसलिए नहीं चाहिए था सही क्योंकि ये मैंने क्रिएट करवाया, अच्छा सही है ना, क्रिएट करवाने के बाद मैं गेट कर रहा हूँ फ़ौरन इसको, ये रिजल्ट के नाम से जो मैंने चीज़ क्रिएट करवाई ना उसको फ़ौरन गेट कर रहा हूँ, सही है चलना चाहिए। वरना आमतौर पे होता है क्या है कि अगर जावास्क्रिप्ट आप पहले लगा दें और HTML बाद में लिखें तो वो एरर दे देता है, उसको मिलता ही नहीं है वो, ठीक है। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है, हाँ कि बनने के बाद ये एक्सेस हो रहा है तो इसलिए सही चल रहा है। तो ये मैंने HTML यहाँ पे लगा दिया फ़ौरन इसके, इस जगह पे आके। अच्छा अब मुझे इसमें क्या लगाना है, एक अदद इमेज भी लगानी है, सही है। तो इमेज के लिए मैं क्या टैग लिखता हूँ, IMG, ठीक है, और IMG सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, एक SRC होता है इसके अंदर, ठीक है। तो SRC ऑफ कोर्स शुरू में खाली रहेगा, ठीक है, शुरू में तो खाली होगा, कोई इसमें हमारे पास इमेज नहीं होगी। अच्छा और इसकी एक अदद ID भी होगी जिसके ज़रिए मैं क्या करूँगा, बाद में इसको गेट करके इसका SRC चेंज करवा दूँगा, यही करूँगा ना। अच्छा और मैंने इसको क्या बोला, ID क्या दे देते हैं उसको, आइकॉन दे दिया मैंने मिसाल के तौर पर, ठीक है, आइकॉन करके मैंने इसको ID दे दी। अब मैंने इसके अंदर इमेज लगानी है, अच्छा साथ साथ मैंने क्या लगाना है, जो रिज़ल्ट अप था, ये रिज़ल्ट अप जो था उसमें मैं जो ये सिटी का नाम दिखाता था, कहाँ है वो, ये रहा अप रिज़ल्ट, सिटी का नाम दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो सिटी के नाम के साथ साथ मुझे क्या दिखाना है, मुझे नाव भी दिखाना है। तो मैं ना एक काम करता हूँ, उसको टेम्पलेट बनाता हूँ,
कि भाई सिटी का ये ऐसे कराची लिखा हुआ हो, उसके बाद क्या हो, बी आर, बी आर भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, यानी लाइन ब्रेक करके और ऐसे नाउ लिखा हुआ हो, सही है। तो मैंने थोड़ी सी चेंजेस इसमें किए हैं इस तरह करके, तो क्या हुआ, एरर आ गया। हाँ, सिंगल कोट इसको क्लोज नहीं किया मैंने, दैट इज करेक्ट। हाँ सही है, कराची भी लिखा हुआ गया, नाउ भी लिखा हुआ गया। अच्छा, मैंने अभी कुछ सी एस एस इसमें खास लगाई नहीं है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी एस एस भी लगा दें ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाए। तो मैंने लिखा कराची नाउ और 24 सेंटीग्रेड और मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे दिखा दिया। अच्छा, इसी तरह मैं प्रेसिपिटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। नाउ लिख दिया का मतलब है कि अभी, इसमें मुझे डेट दिखाने की भी फिर शायद ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने कहा था कि जब सिटी लिखूँ तो ये करंट वेदर आए, उसके साथ साथ नीचे क्या आ जाए, फोरकास्ट भी आ जाए। अच्छा, लेकिन फोरकास्ट से पहले इसमें एक इमेज डिस्प्ले करवानी है मुझे, ठीक है। इमेज कहाँ से डिस्प्ले करवानी है, वो आती है साथ साथ। अच्छा, तो मैंने बोला कि यहीं पर ना ये आइकन करके गेट कर लो, ये जहाँ पे सब चीज़ें गेट करते हैं, आइकन करके भी ना एक गेट कर लो लास्ट में। मैंने कहा भाई इसकी आईडी क्या है, आइकन है, और इसका आइकन का इनर एचटीएमएल नहीं करना मुझे चेंज, आइकन से तो पूरा वो इमेज मिल गया मुझे, इसका मुझे डॉट एसआरसी चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि जो मैंने आइकन आईडी बोली है, आइकन आईडी से तो मुझे पूरा इमेज का टैग ऑलरेडी मिल गया, तो इमेज के टैग में इनर एचटीएमएल नहीं चेंज करना, उसमें इनर एचटीएमएल है ही नहीं हुई, मुझे उसका एसआरसी चेंज करना है। तो मैंने कहा डॉट एसआरसी इक्वल्स टू, और वो यूआरएल यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है, कौन सा वाला यूआरएल, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में बताया हुआ है, चल के ज़रा कॉपी करते हैं वो यूआरएल। अच्छा, यहाँ मैंने, चलो हाँ, आइकन उसमें देख लेते हैं कैसे मैंने निकाला, तो ओपन वेदर और साथ में मैंने आइकन लिख दिया था, आइकन, और इसको मैंने गूगल पे सर्च कर लिया था, ये आ गया वेदर कंडीशंस। तो ये है जनाब वो यूआरएल, ठीक है जी, ये है वो यूआरएल, इसमें से शुरू में से ये चीज़ें हटा देता हूँ। अच्छा, इस यूआरएल के जो दरमियान में ये 10D लगा हुआ है ना, इसकी जगह पे मुझे एक अदर टेम्पलेट लगाना है, और यहाँ पे क्या डालना है, डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मेन, आई एम नॉट श्योर कि वो कहाँ पे आता है, देख लेते हैं यहाँ पे कॉन्सोल पे कि वो किधर मिलता है मुझे। ओके, कॉन्सोल कराची एंटर, ये मुझे मिलता है, हाँ, वेदर, वेदर ज़ीरो और वेदर वन, ठीक है। वेदर के अंदर मुझे दो चीज़ें मिलती हैं और दो आइकन मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो क्यों दे रहा है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि एक वक्त में तो एक हो सकता है, दो नहीं हो सकता, एक वक्त में तो एक ही हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि दो क्यों दे रहा है। वेल, मैं ज़ीरो इंडेक्स पे जो है ना उसको उठा लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। मैंने कहा वेदर क्या था, ये मेन रूट पे ये वेदर पड़ा हुआ है, और वेदर का इंडेक्स ज़ीरो आइकन है, ठीक है। मेन की जगह है वेदर का इंडेक्स ज़ीरो और डॉट आइकन, सही है। देखते हैं जी अब क्या होता है, आ गया ये आइकन। अच्छा, वो नहीं लगा हुआ लाइन ब्रेक इसके बाद ना, यहाँ पे ना क्योंकि इमेज इन लाइन होता है, तो मुझे इसके बाद ना एक बीआर लगाना होगा ताकि वो लाइन को क्या करे, ब्रेक कर दे, ठीक है। बाकी H1 वगैरह तो पहले से ही वो होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आइकन शो हो गया, ठीक है। ये आइकन जो है इसको अभी 2x लगा हुआ है शायद, मे बी मैं इसमें 3x भी लगा सकता हूँ, कहाँ गया वो 3x, हाँ यहाँ पे अभी 2x लगा हुआ है ना, मैं भी 4x लगा के ट्राई करते हैं कि थोड़ा शायद बड़ा आइकन ही है मुझे देगा फिर, ठीक है। 4x लगा दिया तो बड़ा आइकन देने लग गया मुझे, तो इस तरह करके ना वो x का मतलब है साइज इसका। तो ये करंट वेदर मैंने इस तरह से क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया यहाँ पर। अब मैंने अगला काम क्या करना है, स्टिल इस पर मैंने CSS कोई ढंग से नहीं लगाई, आप लोग बेहतर CSS लगाएंगे, और लगाई है आप लोगों ने जो ऑलरेडी आप बना चुके हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने नीचे इसके फोरकास्ट डिस्प्ले करवाना है। फोरकास्ट की जो API है वो कौन सी थी, चलते हैं हम ज़रा इसकी प्राइसिंग में। दो फ्री APIs हैं इनकी, एक करंट वेदर की है और एक फोरकास्ट। ये फोरकास्ट मैंने क्लिक किया जैसे ही, तो फोरकास्ट पे क्लिक करते ही क्या हुआ, ये API इसने मुझे बता दी कि भाई साहब ये है API आपकी फोरकास्ट की, ठीक है।
और फॉरकास्ट में आप यूनिट्स देते हैं जो हमने पहले दिया था, लैंग्वेज देते हैं आप, ऐप आईडी भी देना पड़ता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एक आप नाम भी दे सकते हैं, क्यू लिख के ना आप किसी सिटी का नाम भी दे सकते हैं, वो इन्होंने पता नहीं क्यों मेंशन नहीं किया यहाँ पे, वेल आप वो कर सकते हैं। अच्छा तो मैं इस पूरी एपीआई कॉल को, ठीक है ये पूरी एपीआई कॉल है ना, इसके पैरेलल में मैं एक और एपीआई कॉल लगा रहा हूँ जो क्या करेगी, गेट 5 डे फोरकास्ट, ठीक है 5 डे का फोरकास्ट ही लेकर आएगी मेरे लिए। तो अब आप नोट करें कि हमारे पास कितनी एपीआई कॉल है, एक एक्सियोस ये लगा हुआ है, एक एक्सियोस ये लगा हुआ है, दो एपीआई कॉल्स हैं, ठीक है। गेट वेदर फॉर दिस सिटी, सही है, गेट करंट वेदर फॉर, सही है बस करंट वेदर, सही है। तो एक कॉल जो लगती है वो करंट वेदर गेट करती है, अब दूसरी जो है वो क्या है, एक स्पेसिफिक उसके लिए, ठीक है। मैंने ये यूआरएल चेंज कर दिया, इसमें क्या था ओपन वेदर मैप डॉट ऑर्ग डॉट डेटा डॉट 2.5 स्लैश वेदर, ठीक है इसमें क्या है स्लैश डेटा 2.5 स्लैश फोरकास्ट, और क्यू सिटी मैंने बिल्कुल उसी तरह दिया, ऐप आई डी भी मेरी सेम है और यूनिट्स मैट्रिक है, ठीक है। तो ये एपीआई में मैंने सब कुछ इसको बता दिया। अब जो इसमें रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास, ये वाला रिस्पॉन्स, ये क्या होगा, ये फॉरकास्ट होगा, इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होगा। तो मैं ये चीज़ें उड़ा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे पहले से लिखी हुई है कि रिस्पॉन्स आने पे कैसे इसको ट्रीट किया जाए, वो अभी मैं खाली कर दिया। मैंने कहा कि जस्ट मुझे कॉन्सोल पे प्रिंट करवा दो, कॉन्सोल डॉट लॉग फॉरकास्ट, कॉन्सोल डॉट लॉग फॉरकास्ट, अच्छा एफ ओ आर ई होता है फॉरकास्ट, अच्छा। और मैंने कहा कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा, रिस्पॉन्स के अंदर जो भी चीज़ डेटा के तौर पे आई होती है वो मुझे रिस्पॉन्स डॉट डेटा में मिलती है, जो फोरकास्ट मुझे मिलेगा वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में। तो मैंने कहा जस्ट मुझे ये प्रिंट करवा दो कि आया क्या है, ठीक है, बाकी स्क्रीन पे कब प्रिंट कराना है वो हम खुद ही देख लेंगे। कराची लिख के मैंने एंटर किया, क्या वो HTTP लिखना मैं भूल गया था, HTTPS भर गया, सही है। वो सेकंड वाली API कॉल ही नहीं हुई इसकी वजह से, सही है। देखो एक आ गया करंट वेदर और एक आ गया फॉरकास्ट। फॉरकास्ट के अंदर अब आप अगर नोट करें, फॉरकास्ट के अंदर भी आपको ये सिटी बताता है, ठीक है, कंट्री पाकिस्तान, सिटी का नेम है कराची, पॉपुलेशन भी बता रहा है सिटी की है, ठीक है के, तो ये कुछ चीज़ें बता रहे हैं, सनराइज कितने बजे होगा, सनसेट कितने बजे होगा और टाइम जोन यहाँ का क्या है, ये सब चीज़ें मुझे बता रहा है। अच्छा पॉपुलेशन जो ये मुझे बता रहा है ये किस में बता रहा है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 10,00,000 crore ये, अच्छा कराची की पॉपुलेशन है ना, मैंने कहा इतनी कम कैसे हो गई, पूरे पाकिस्तान की नहीं सिर्फ कराची की बता रहा है, सही बता रहा है 1 crore। अच्छा सनराइज जो ये बता रहा है ये किस में बता रहा है, ये सेकंड्स में बता रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें मिली सेकंड भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, तो आमतौर पे कंप्यूटर में जो टाइम बताया जाता है ना, टाइम कीपिंग जो हो रही है वो मिली सेकंड्स में हो रही है, ठीक है, वो सेकंड्स में नहीं हो रही है। इन्होंने लेकिन सेकंड्स में बता दिया, तो चलो सही है, इसको मल्टीप्लाई मुझे 1000 से करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट को मिली सेकंड ज़्यादा सही समझ आता है, मूवमेंट जेएस को भी मिली सेकंड ज़्यादा सही समझ आता है, ठीक है। तो मूवमेंट जेएस मूवमेंट लिखेंगे, बीच में ये पास कर देंगे, लेकिन इसको पहले 1000 से मल्टीप्लाई करके पास करेंगे, अदरवाइज उसको फिर वो समझ नहीं आता कि ये क्या है, क्योंकि उसको मिली सेकंड का पता है, ठीक है। टाइम जोन 1800 का मतलब, ये 1800 शायद मिनट बता रहा है, ठीक है 1800 मिनट टू आवर, हम प्लस 5 है ना, 18,000 सेकंड टू आवर में भी, हाँ ये सेकंड्स में बता रहा है, हाँ नहीं ये सेकंड्स में बता रहा है, ये भी 18,000 ना सेकंड को मैंने आवर में किया तो 5 हो गया, प्लस 5, ये सेकंड्स में बता रहा है। ये टाइम जोन जो है ना, टाइम जोन हम आमतौर पे कैसे लिखते हैं, जो GMT से कितना ऑफसेट है हमारा वो लिखते हैं, तो हम GMT से प्लस 5 में, यानी GMT में ग्रीनविच में इस वक्त जो भी यहाँ टाइम हो रहा है,
हमसे 5 घंटे वो पीछे हैं ग्रीनविच, वो जीरो है, ऑफसेट उनका जीरो है बिल्कुल बीच में वो, तो हमारे पास 7 बज रहे हैं, 7:34, तो उनके पास 2 बज रहे होंगे, 2:34 हो रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह कुछ जो कैनेडा वगैरह है, यूरोप है, वो हमसे पीछे है, यानी वो ग्रीनविच से माइनस में, -8, -6, -5 इस पे है वो। तो वो ऑफसेट जो ये बता रहा है ना, ये सेकंड्स में बता रहा है। अगर मैं कनाडा लिखूँगा तो ये ऑफसेट मुझे किस में बताएगा, माइनस में बता रहा होगा। ठीक है, कहाँ गया वो, सिटी, सिटी गायब कर दिया इसने इस दफा। अच्छा, फोरकास्ट इस दफ़ा पहले रिस्पांस आ गया। ठीक है, दो एपीआई पैरेलल में कॉल कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि पहली जो कॉल की है उसका रिस्पांस पहले है, जो बाद में की उसका भी पहले आ सकता है, किसी एक का भी आ जाएगा पहले। तो फोरकास्ट का इस दफ़ा पहले आ गया। अच्छा, सिटी में इसने जो टाइम जोन है वो 7200 सेकंड बताया, यानी ये भी शायद कनाडा का ओवरऑल ले रहा है, तो ये प्लस में ले रहा है। हम कोई ऐसा लिखते हैं जो बिल्कुल ही पीछे है, वैंकूवर, सही लिखा है मैंने स्पेलिंग, वैंकूवर की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, वैंकूवर जो है वो उसका टाइम जोन -8 है गालवन। अच्छा, फोरकास्ट तो ये -25,000 बता दिया इसने, सही है, तो ये ऑफसेट बता रहा है लेकिन सेकंड्स में बता रहा है, आवर्स में नहीं बता रहा। अच्छा, और हमें क्या मिल रहा है, लिस्ट मिल रही है पूरी, ये 3-3 घंटे के फ़र्क से ना पूरा फोरकास्ट। तो पहला लिस्ट का आइटम खोला मैंने, क्लाउड टेक्स्ट मेन, उसका जो मिनिमम मैक्सिमम जो भी इस 3 घंटे में जो होने वाला है वो है, फिर हर 3 घंटे का डेटा ये मुझे देता जा रहा है, हर 3 घंटे का डेटा ये, सही है। और अगर इसमें लिस्ट को मैं क्लोज़ कर दूँ तो ये सिटी है और लिस्ट है, दो चीज़ें आ रही हैं मेरे पास, और ये CNT और COD पता नहीं क्या है। वेल, तो ये हमने फोरकास्ट का देख लिया कि API का रिस्पॉन्स किस तरह से आता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस लिस्ट के ऊपर आइट्रेट करना है, और इस लिस्ट के अंदर मौजूद जो एक एक ऑब्जेक्ट है, ये एरे में रिस्पॉन्स आया हुआ है। लास्ट क्लास में किसी ने सवाल भी पूछा था कि जो हम ऑब्जेक्ट पे कैसे आइट्रेट करेंगे, तो आप देखें एरे पे आइट्रेट कर रहे हैं, और एरे के हर इंडेक्स पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और एक एक ऑब्जेक्ट को हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाते जाएंगे। दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क। अच्छा, तो हम आ जाते हैं, अच्छा एक चीज़ नोट किया आपने, ये नीचे बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं अलग अलग, जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ एक बॉक्स एक्स्ट्रा बना के आ जा रहा है नीचे, क्योंकि वो प्लस किया हुआ है मैंने यहाँ पे शुरू में, पहली लाइन में ना इसके मैंने यहाँ पे देन के अंदर जो पहली लाइन है ना इसमें मैंने इसको प्लस इक्वल्स टू किया हुआ है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको नहीं बॉडी में, लेकिन मैंने किया ना बॉडी में इक्वल्स लगाऊंगा तो फॉर्म गायब हो जाएगा, तो इसका क्या हल किया जाए, इसका हल ये करना पड़ेगा कि मुझे एक डिव ऊपर बनानी पड़ेगी, एक डिव मैंने कहा कि CURRENT करंट, करंट करके ना एक मैंने यहाँ पे बता दिया कि यार ऊपर मुझे ना एक डिव पहले से बनानी पड़ेगी यहाँ पे करंट के नाम से, क्योंकि वरना मैं खाली नहीं करवा पा रहा हूँ उसको, सही है, अब मेरा मसला हल हो जाएगा। तो मैंने बोला कि यार करंट को ना पहले क्या करा दो, खाली करके उसके अंदर ये रखो हर दफ़ा, ताकि वो ना नए नए बॉक्स नहीं बनाए हर दफ़ा। इसको मैंने रिफ्रेश किया, आके मैंने कराची लिखा, गेट वेदर, अब जितनी बार भी मैं गेट वेदर करूँगा वो नया बॉक्स नहीं बनाएगा, क्योंकि वो हर दफ़ा खाली करता है इसको, फिर रखवाता है दोबारा। अच्छा जी, तो मैंने एक तो ये कर दिया, करंट वेदर के सारे मसले ऑलमोस्ट मैंने हल कर दिए, ठीक है, करंट वेदर हमारा ये पूरा हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक अदद क्या बनाना है, मुझे फोरकास्ट बनाना है एक अदद, ठीक है, फोरकास्ट बनाना है। अच्छा, फोरकास्ट के अंदर क्या होगा मेरे पास, फोरकास्ट असल में ऐसे हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल एक चीज़ होगी फोरकास्ट, तो मैं इसमें काइंड ऑफ वही चीज़ उठा के ले आता हूँ जो मैंने उसमें भी रखी है ना, यही वाला HTML असल में मुझे चाहिए, लेकिन कितनी बार चाहिए, एक से ज़्यादा बार चाहिए हॉरिजॉन्टली, तो मैंने कहा भाई यही HTML होगा, ठीक है, अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाद में मैं प्रोग्रामेटिकली इसमें ऐड करवा रहा हूँ। अच्छा, तो ये हो गया जी हमारा, बेहतरीन काम हो गया। अच्छा, इसमें जो है ना थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में करेंगे हम, उसमें तो क्या हमने किया था कि पहले ऐड कर दिया था और फिर एक एक करके गेट एलिमेंट कर रहे थे। मैं इनर HTML रखवाते हुए भी तो बीच में टेम्पलेट लगा सकता हूँ ना, कोई भी उसमें रखवा दूँ, URL कुछ भी रखवा दूँ, तो ये वाला उस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका अख्तियार करेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा फोरकास्ट जो है ना हमारा सबसे पहले
वो क्या होगा, वो हमारा होगा इसको, बल्कि भाई साहब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको तीन चार ऐसे लगाना पड़ेगा, जबी तो वो पता चलेगा ना मुझे हॉरिजॉन्टल हो रहा है कि नहीं हो रहा वो, ठीक है। अभी तो ये देखें ऐसे हो रहा है, ओके। ये जो ऐसे रिजल्ट है ना आईडी, इसकी आईडी वाईडी भी उड़ानी पड़ेगी भाई साहब हमें। वेल तो हम लेकिन अभी फ़िलहाल ये करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ हम डेटा लगा देते हैं। मैंने कहा 30 ऐसे डेटा आ गया, ताकि ना यहाँ पे मुझे ऐसे दिखे। तो अभी ये सीधा आ रहा है, मुझे इसको फ्लैक्स बॉक्स लगा के इसको मैंने थोड़ा अपने हिसाब से करना है। तो फ्लैक्स बॉक्स के अंदर जो बाई डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन है वो ये वाली है, मुझे हाँ ये वाली है, फर्स्ट वाली है, ठीक है ये वाली, क्योंकि वो अभी फ्लैक्स बॉक्स है नहीं ना, तो बाई डिफ़ॉल्ट HTML की जो ऊपर से नीचे की तरफ है, तो मुझे उसको फ्लैक्स बॉक्स बनाने के लिए उसके कंटेनर को फ्लैक्स देना पड़ेगा। आ जाते हैं उसके कंटेनर को, यानी फोरकास्ट जो है ये कंटेनर है और ये एक एक कार्ड है। तो फोरकास्ट को अगर मैं बोल दूँ डिस्प्ले फ्लैक्स तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने बोला कि डॉल्ट फोरकास्ट डिस्प्ले फ्लैक्स, तो ये डिस्प्ले फ्लैक्स करने से क्या हो जाना चाहिए, क्या हुआ नहीं हुआ, नहीं डायरेक्शन तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी हुई है ना, फोरकास्ट सही तो लिखा है मैंने क्या, अच्छा आईडी करके लिखा है मैंने और मैं डॉट करके लगा रहा हूँ, ऐसे करके लगेगा ये, सही है अब सेट हुआ है, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये बिल्कुल चिपक भी गया आपस में, तो इसका मतलब है इसको कुछ ना कुछ विड्थ मुझे देनी पड़ेगी, ताकि ये इस तरह, वरना जितना कॉन्टेंट है उतना तो ये फैलेगा, सही है, जितना कॉन्टेंट इसके अंदर है उतना तो ये फैलेगा, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए इसको क्या दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ। मैंने कहा भाई 150 पिक्सल आपकी विड्थ हो जाए, विड्थ अपनी ले नहीं रही है, अच्छा ये तो मैं फोरकास्ट को विड्थ थोड़ी देनी है मुझे, फोरकास्ट को नहीं देनी, इसके कार्ड को देनी है मुझे। मैंने कहा कि भाई हैश फोरकास्ट के अंदर जो क्या मौजूद है, डिव मौजूद है, डायरेक्ट चाइल्ड है जो इसका, उसकी विड्थ जो जो हो जाए वो 150 पिक्सल हो जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे मुझे इसको विड्थ नहीं देनी, मुझे ईच कार्ड को देनी है विड्थ, कि हर एक कार्ड जो इनमें से क्या हो जाए 150 पिक्सल विड्थ में बड़ा हो जाए। अच्छा अब थोड़े दूर दूर भी करना है इसको, बहुत ज़्यादा चपक रहा है ये आपस में, तो मैंने आके यहाँ पे बोला कि साथ साथ इसको क्या दे दो आप, इसको आप मार्जिन दे दो 15 पिक्सल का, मे बी 15 पिक्सल का मार्जिन हो गया, कुछ पैडिंग भी दे देता हूँ, मैंने कहा 15 पिक्सल की ही पैडिंग भी दे दो आप इसको, ठीक है 15 पिक्सल की पैडिंग भी मैंने दे दी, ताकि अंदर से दीवारों से ये दूर दूर हो जाए, ठीक है। अच्छा अब इसको ज़रा हम ये क्या किया मैंने, जूम ज़्यादा हो गया, अच्छा अच्छा अब मुझे क्या करना है, इसको ज़रा और लगा के देखता हूँ कि ये स्क्रॉल इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको अभी तीन में ना स्क्रॉल फील नहीं हो रहा, कोई 10-12 होंगे तो फिर स्क्रॉल फील होगा। अच्छा स्क्रॉल नहीं आ रहा है इसके अंदर, स्क्रॉल बार नहीं बना पा रहा, क्या बना हुआ जा रहा है वो चपकना शुरू हो जा रहा है आपस में, तो इसके लिए मुझे एक चीज़ लगानी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड इसका जो कंटेनर है उस पर मैं बोलूँगा कि ओवरफ्लो एक्स, एक्स एक्सेस पे ओवरफ्लो करो तो वो क्या कर दिया जाए उसको स्क्रॉल बना दिया जाए। तो अब ये देखें क्या हो जाएगा, स्क्रॉल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन स्टिल क्या हुआ, ये अपनी विड्थ इसने छोड़ दी, अपनी जो विड्थ थी ना इसने वो इसने छोड़ दी। ये लास्ट टाइम भी मेरे पास प्रॉब्लम आया था, मैंने सोचा था इसको मैं देखूंगा कि क्या इशू है, वेल फिर मैं भूल गया। तो ये विड्थ इसको जितनी भी दे दो ये लेता नहीं है। अल्टीमेटली मैंने क्या किया था, इसको पैडिंग इसकी बढ़ा दी थी मैंने, मैंने कहा था पैडिंग भाई 35 पिक्सल हो जाए तुम्हारी, तो वो थोड़ा विड्थ इसकी वजह से बड़ी हो गई थी, तो ऐसे करके मैंने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। अब ये कार्ड मेरे तैयार हो चुके हैं, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल कार्ड मेरे तैयार हो चुके हैं, तो मैं अब क्या करने लगा हूँ, अब जब मैं कराची लिख के ऐसे एंटर करूँगा तो एक करंट डेटा लाएगा ये, और नीचे लूप चला के ना मैं इसके अंदर वो पूरे फॉरकास्ट में जितनी लिस्ट आई थी सबको एक एक करके मैं लिखवा दूंगा, और डेटा तो सेम है वही है, कराची के साथ नाव लिखा हुआ है, इसमें मैं मूवमेंट के ज़रिए जो है वो मंडे वेनेसडे ट्यूसडे करा दूंगा, और क्या कहते हैं जो 24 सेंटीग्रेड है आइकन लगवा दूंगा इसमें, और मिनिमम मैक्सिमम भी इसमें इसी तरह लगवा दूंगा। अच्छा तो ये अब काम कैसे होगा, ठीक है एक पीस यहाँ से मैं उठा लेता हूँ इसका, और बाकी को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो खाली होगा ना ये, शुरू में तो मुझे दिखाना ही नहीं है इसको कि ये है भी कि नहीं है, शुरू में इसको क्या रखवाना है, मुझे बिल्कुल खाली रखवाना है,
कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। अच्छा, अब नीचे जब मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा, किसका रिस्पॉन्स आएगा, इस वाले का जब रिस्पॉन्स आएगा, तो इस पे मैंने क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट लिस्ट, यही है ना एरे मेरा। अच्छा, इस लिस्ट के ऊपर मुझे आइट्रेट करना है, क्या लिखूँगा, फॉर लूप से भी कर सकता हूँ, डॉट मैप भी लगा सकता हूँ, मैप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है अपना, ठीक है। मैप में मुझे क्या मिलता है, ईच आइटम, सही है, और इंडेक्स भी मिलता है, लेकिन इंडेक्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, ईच आइटम मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, अब मैंने बोला ईच आइटम करने के बाद, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट नहीं, क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, और क्वेरी सेलेक्टर करके मैंने क्या बोला, फोरकास्ट, ठीक है, फोरकास्ट डॉट इनर एचटीएमएल, और इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल्स टू, और प्लस इक्वल्स टू के बाद मैंने क्या दिया, ये पूरा का पूरा एचटीएमएल दे दिया है। सही है, पूरा का पूरा एचटीएमएल दे दिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर लेता हूँ कोड को, ये इनर एचटीएमएल को जैसे कट करके ना ऊपर बना देता हूँ, मैंने कहा लेट फोरकास्ट डिव इक्वल्स टू, ऐसे करके ये कर दिया मैंने, मैंने कहा डॉट इनर एचटीएमएल नहीं, फोरकास्ट डिव लगवा दिया मैंने, ठीक है। फिर अगली लाइन में मैंने बोला फोरकास्ट डिव डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू एमटी, पहले तो एमटी हर दफ़ा कराना होगा, वरना अगली दफ़ा वो क्या करेगा, उसी में ऐड करता चला जाएगा। तो पहले मैंने बोला भाई डिव उठाओ, डिव का इनर एचटीएमएल कराओ खाली, उसके बाद क्या बोला मैंने, मैंने कहा डिव का जो है इनर एचटीएमएल क्या करा दो, फोरकास्ट डिव कहाँ भेज दिया मैंने, फोरकास्ट डिव डॉट इनर एचटीएमएल क्या करवा दो, खाली करवाओ और फिर ये रखवा दो। अच्छा, ये कितनी बार चलेगा, जितनी बार ये लूप घूमेगा उतनी बार ये चलेगा, और हर दफ़ा जब ये चलेगा तो ईच आइटम में क्या मिलेगा उसको, एक फोरकास्ट का एक आइटम मिलेगा। अच्छा, फोरकास्ट के एक आइटम में क्या क्या मिलता है, ज़रा ये चल के हम एक दफ़ा देख लेते हैं। फोरकास्ट के आइटम में ये लिस्ट में ना, पहली लिस्ट को मैंने खोला, तो ईच आइटम डॉट मुझे क्या चाहिए, ईच आइटम डॉट मेन डॉट टेम्परेचर, ईच आइटम डॉट मेन डॉट टेम्परेचर। आ जाओ भाई, ये जो मेरा ये वाला है ना, इसकी जगह पे मुझे क्या चाहिए, ईच आइटम डॉट मेन डॉट टेम, ऐसे भी कर सकता हूँ ना मैं, पहले मैंने ये अलग रखवाया था, बाद में इनर एचटीएमएल गेट किया था, मतलब डॉक्यूमेंट से गेट किया था, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, रखवाते हुए ही बीच में अपना आइटम रखवा के उसको एचटीएमएल ऐड करवाता हूँ, ये भी सही है, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो टेम्परेचर यहाँ बीच में आ गया। अच्छा, आइकन में मुझे क्या चाहिए, अच्छा अब इसकी ना आईडी वाईडी की मुझे ज़रूरत नहीं है, आईडी की मुझे ज़रूरत है क्या, अब नहीं है, ठीक है, लेकिन खैर आईडी लगी हुई है तो लगा रहने देते हैं, क्योंकि इस आईडी पे शायद मैंने वो भी लगवाया हुआ है सीएसएस, देख लेता हूँ सीएसएस में, मैंने इस नहीं सीएसएस में मैंने किसी आईडी का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये सारी आईडीज जब मैं डायरेक्ट ही डेटा रखवा रहा हूँ इसमें, तो ये इन आईडीज़ की अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है, सही है, क्योंकि आईडी तो मैंने इसलिए रखवाई थी कि बाद में गेट करूँगा मैं, इस इमेज को भी मुझे आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमेज में SRC में डायरेक्ट में क्या करूँगा, ऐसे करके डायरेक्ट रखवा दूँगा जो भी चीज़ मुझे रखवानी है, ठीक है, इस स्पैन में भी आईडी की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो SRC के अंदर कौन सा वाला करवाऊँगा मैं, HTML जो आइकन का या मेरा आइकन जो पकड़ता था मैं यही था ना, ये रहो पूरा का पूरा मेरा, अच्छा इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने वो URL और वो यहाँ SRC के अंदर मैंने वो URL रखवा दिया पूरा का पूरा, ठीक है। ठीक है जी, यार ये मैंने क्या किया भाई, दादा ये टेम्पलेट तो मुझे सिर्फ उतने पे चाहिए था ना, मैं पूरे पे क्यों लगा रहा हूँ, डबल टेम्पलेटिंग कर रहा हूँ अभी लगा, सही है। तो मैंने ये SRC के अंदर ये पूरा URL रखवा दिया, और बीच में ये जगह थी इतनी वो मैंने चेंज कर दी, 4x लगा दिया, 4x को बाय द वे वैसे 2x कर देता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे चाहिए मुझे फोरकास्ट में। तो ये मैंने इमेज में डायरेक्ट ही URL लगा दिया। टॉप पे मैं क्या लिखता था, कराची,
लेकिन इस बार मैं कराची नहीं लिखूंगा टॉप पे, क्योंकि कराची तो एक बार आ रहा है ना यहाँ पे इधर भाई। दबे इतना ज़रा चला के भी देख लेते हैं कि अभी तक क्या दिख गया मुझे। अरे ये तो आया ही नहीं, डिस्प्ले ही नहीं हुआ, ये क्या सीन है? रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट लिस्ट डॉट मैप, लिस्ट में एस है क्या? नहीं एस तो नहीं है, ये चला क्यों नहीं भाई दबे यार, ये क्या सीन हुआ? इतना तो चलना चाहिए इसको, हैं? क्या लगता है क्यों नहीं चला होगा? फोरकास्ट डिफ तो सही मिल रही है इसको, फोरकास्ट फोरकास्ट, हाँ स्पेलिंग बिल्कुल सही है। डॉट इन एचटीएमएल में ये भी रखवा दिया मैंने। अब हाँ भाई क्या लगता है क्यों नहीं चला होगा? अच्छा रिफ्रेश नहीं किया मैंने इसको, एरर आ गया इसमें। किसमें? ओ हाँ ये ज़ीरो दिया हुआ मैंने तो। अच्छा रिस्पॉन्स डॉट डेटा तो मिलता ही नहीं है ना, या तो ईच आइटम मिलता है ना, ईच आइटम डॉट वेदर, ईच आइटम डॉट वेदर है, कैसे देख लेते हैं एक दफ़ा। ये ईच आइटम हो गया, ईच आइटम के अंदर क्या है? वेदर है और उसका इंडेक्स ज़ीरो है। ईच आइटम डॉट वेदर डॉट इंडेक्स जीरो डॉट आप सही हुआ। हाँ यहाँ पे मैंने गलत इंडेक्स लगा दिया था इसका, इसलिए नहीं चल पा रहा था वो। अच्छा इतना तो चल गया हमारा फोरकास्ट। ओए क्या हुआ इसको, क्या हुआ था अचानक? तो ज़ीरो देने से फिर क्या मसला हो रहा है? नहीं मुझे कुछ और गड़बड़ लग रही है, मेरा लूप इन्फिनिटी तो नहीं हो रहा, इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकता मैप चलाया, इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकता मैप चलाया मैंने। अच्छा ये 99 एरर कुछ आके ये बंद हो रहा है, और ये 99 एरर शो क्यों नहीं कर रहा भाई? शो भी कर दे कॉन्सोल, कॉन्सोल यार ये शो तो कर रहे हैं 99 एरर, बता क्यों नहीं रहा? इंक्लूड थर्ड पार्टी कुकीज, कैसे पता चलेगा मुझे कि क्या एरर आ गया? वेल कोड पे दोबारा गौर करते हैं क्या कर दिया हमने एड्रेस के साथ। अच्छा मुझे लग रहा है किसी में शायद वेदर ना खाली भी आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ। अच्छा आपको पता है इसमें ऑब्जेक्ट में ना एक चीज़ होती है, जब आप ऐसे डॉट लगाते हैं ना तो आप ना ऐसे क्वेश्चन मार्क और डॉट भी लगा सकते हैं, राइट? क्वेश्चन मार्क के साथ डॉट लगाने से बेनिफिट ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे भाई पूरा एरे चलेगा 40 आइटम है उस एरे के अंदर, किसी एक में टेम्प अगर मिसिंग है तो वो क्या करेगा? तो वो इसको ना एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ देगा ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाने से, ठीक है? कोड ब्रेक नहीं होगा मेरा, तो मैं इन सब पे ना क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। इसको नलिश ऑपरेटर कहते हैं, ये ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है? मेरा ख्याल है वो किसी पॉइंट पे जाके ना उसको वेदर के अंदर कुछ मिल नहीं रहा, नल मिल रहा है, इसलिए वो ब्रेक हो जा रहा है। और वो एरर शो तो कर रहा है 99, लेकिन वो बता नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। नहीं यार डेफ टूल वॉज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द पेज, वंस पेज इज रीलोडेड डेफ टूल विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट। एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक काम और करते हैं, हम इमेज को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं अगर इसकी वजह से हो रहा है तो, ठीक है? मे बी इसकी वजह से अगर हो रहा हो तो इमेज को ही हटा दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। अच्छा अब बिल्कुल सही रहा है, इमेज में ही कुछ गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ की है इमेज में हमने भाई साहब? ज़ीरो से नहीं, ये तो फिक्स है ना ज़ीरो, ये तो फिक्स नहीं है ज़ीरो।
देखे ना ये आ जाते हैं कंसोल पे, यहाँ पे मैंने लिखा दोबारा से कराची और किया, ये है ना मेरा फोरकास्ट। फोरकास्ट में लिस्ट आती है तो मैं इस लिस्ट के ऊपर आइटरेट कर रहा हूँ, तो मुझे ईच आइटम में क्या मिलेगा, ये एक ऑब्जेक्ट मुझे ईच आइटम में मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट हर दफ़ा। तो पहला ईच आइटम खोला मैंने, पहले ईच आइटम के अंदर क्या है मेरे पास, वेदर, वेदर खुद एक एरे है एक इंडेक्स का, वेदर क्या है खुद एक एरे है सिंगल इंडेक्स का एरे है, और इसके अंदर जो मुझे कुछ ना कुछ डेटा मिलता है। ठीक है, मैं काम करता हूँ इस इमेज को रोक के ना, मैं इस इमेज को रोक के मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे डिव लगा देता हूँ। ठीक है, इस इमेज को मैं यहाँ ले आता हूँ और इस इमेज को रोक के मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे ईच आइटम डॉट मैंने लगाया है ना, इसको मैं वैसे ही प्रिंट करवा लेता हूँ कि हर दफ़ा क्या मिलता भी है या कुछ मसला कर जाता है। डिव डिव, ठीक है, और बीच में मैंने ये प्रिंट करवा दिया कि भाई हर दफ़ा ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मे बी किसी दफ़ा में ना मिलता हो, तो हम उसको डीबग करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मेरा डेव टूल डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अच्छा 10D 9D 4D मिल तो रहा है यार हर दफ़ा, किसी एक पॉइंट पे ऐसा तो नहीं हो रहा कि मिल नहीं रहा, मिल तो ये आखिर तक रहा है भाई, किसी एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हो रहा कि कोई डेटा ना आ रहा हो। ये रहा 10N से शुरू होता है ये 10N और ये पूरा आखिर तक जाता है, ये तो मिल तो सही रहा नहीं। अच्छा मिल रहा है तो फिर क्या मसला हो गया, अच्छा HTTP में मैंने S नहीं लगाया, ये बैकस्लैश ऐसे नहीं, नहीं वो तो HTML में कमेंट नहीं होगा, HTTPS का ही मुझे इशू लग रहा है, HTTPS करके देखते हैं क्योंकि वो तो API है ना, वो तो HTTPS में होती है। बाय द वे उन्होंने डॉक्यूमेंट में HTTPS नहीं लिखा हुआ, HTTP लिखा हुआ है जस्ट, लेकिन HTTPS होना चाहिए। हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रही है इसके साथ, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल डिस्प्लेइंग द वेबसाइट। अब ये 92 को शो कैसे करेगा, ये शो क्यों नहीं कर रहा 92, ये समझ नहीं आ रहा है। सिक्योरिटी का कोई इशू तो नहीं है यार, ये शो क्यों नहीं कर रहा, लिखा हुआ आ रहा है 99 बस शो नहीं कर रहा। वार्निंग्स इन्फो भाई, किसी को पता है ये शो कैसे करेगा, ये जो शो नहीं कर रहा। ये पता नहीं क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा। एलिमेंट्स का ज़रा जायज़ा लेते हैं, एलिमेंट्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, ये है ना मेरा फोरकास्ट का एलिमेंट। ओके फोरकास्ट का एलिमेंट लास्ट में एक एम्प्टी, इसमें वो आ रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है लास्ट में, ये क्या चक्कर है, इसको खाली किया मैंने, खाली करके इसमें ये डाला, सही तो ऐसा कुछ है। हाँ भाई दिमाग लगाओ, सोचो तो क्या सीन है ये,
एक काम करते हैं, किसी दूसरे ब्राउज़र में ट्राई करते हैं, मे बी क्रोम का इशू हो, मे बी। ये मैंने मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स में इसको जो है ना ओपन कर लिया थोड़ी देर के लिए, और इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं इसका, कॉन्सोल पे आ जाते हैं और इसकी कॉन्सोल को साइड पे ले जाते हैं। अच्छा इसमें ये सही चल रहा है, गूगल क्रोम में मसला कर रहा था, ये क्या बकवास है। इसमें तो इसमें कोई मसला नहीं है, गूगल क्रोम में मसला कर रहा था। वेल तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो गूगल क्रोम का कोई खुद का इशू है, कोई एरर नहीं है इसके अंदर इटसेल्फ। बिल्कुल सेट है यार, गूगल क्रोम का इशू था वो। अच्छा ये जो पॉइंट के बाद आ रहा है ना 59, मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं बोलूँगा कि भाई आप हो जाओ डॉट टू फिक्स्ड। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है डॉट टू फिक्स्ड 0, देखते हैं अब क्या करता है ये। सही है 27। अच्छा 27 के साथ मुझे डिग्री भी लगाना है, तो मैं क्या करूँगा ऐसे साथ में प्लस करके ना, बल्कि प्लस क्यों करूँगा मैं बाहर लिखूँगा, ये डिग्री लगा दिया मैंने ऐसे। अब मैं इसको सेट करता हूँ 27 27 29, ऐसे आ गया। ठीक है, अच्छा मिन मैक्स दिखाना है अब मुझे इसका, तो नीचे मैं मिन मैक्स दिखा दूंगा जैसे इस पर दिखाया हुआ था। तो ये स्पैन जो था इस पर मैंने क्या करना था, मिन और मैक्स दिखाना, मैंने कहा ईच आइटम, ठीक है डॉट मेन, मेन था मेन डॉट मिन अंडर टेम्प, मिन ये हो गया सॉरी टेम्प मिन था, सही सही टेम्प अंडर स्कोर मिन, तो मैंने एक डैश लगा दिया। ठीक है, अच्छा नलिश ऑपरेटर मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क सब में ना, ताकि अगर कोई एक वैल्यू मिसिंग भी आए ना तो उसको वो क्या कर दे, एम्प्टी वहाँ पे रख दे उसको, वो उसके साथ वो ना करे। दोनों के साथ मैंने सेंटीग्रेड भी लगा दिया, गूगल क्रोम पे हम वापस आ, गूगल क्रोम को मसला है भाई इससे, अब मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स पे इसको थोड़ी देर चलाते हैं। वो कह रहा है कि भाई आप ना गूगल क्रोम को रीस्टार्ट करो, असल में गूगल क्रोम में कुछ गड़बड़ हुई भी है। अच्छा कार्ड की जो मेरी विड्थ है वो थोड़ी कम है शायद, तो मैं कार्ड की विड्थ को थोड़ी बढ़ा देता हूँ ना। कहाँ से बढ़ाऊँगा मैं कार्ड की विड्थ, ये CSS में मैंने लगाया था ना 150, तो इसको मैं कर देता हूँ 190 कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी कम है क्या, सॉरी विड्थ तो काम ही नहीं कर रही थी, असल में पैडिंग से चल रहा था ना, विड्थ तो मैंने बताया वो काम ही नहीं कर रही है। पैडिंग को थोड़ा और बढ़ाते हैं, 50 पिक्सल कर देते हैं। ये मैं चाह रहा हूँ दोनों ना, अच्छा ये बाय द वे इसमें से भी तो पॉइंट मुझे हटाना है मिनिमम मैक्सिमम में से, इसमें पॉइंट क्यों आ रहा है, इसमें पॉइंट तो नहीं चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे भी आके ना टू फिक्स इसमें लगा देता हूँ डॉट टू फिक्स्ड और 0। सही है, यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ डॉट टू फिक्स्ड 0। ठीक है, ताकि वो उसमें से पॉइंट वाले नंबर हट जाए तो थोड़ा साइज भी उसका छोटा हो जाए, मैं चाह रहा हूँ वो सिंगल लाइन में आया, अब सेट हो गया ना, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। ठीक है, मिन मैक्स हमारा बिल्कुल सेट हो गया। अच्छा ये 10n जो मैंने लगाया था एक्सपेरिमेंट के लिए, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। राइट, ये जो मैंने ऐसे लगा दिया था ना सिर्फ आइकन को, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, और हमें क्या दिखाना था इसमें? हाँ, दिन दिखाना था ना, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, ऐसे मन लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे। सही है, ऐसे ये मंडे लिखा हुआ है ना, ऐसे मंडे ट्यूसडे वेनसडे ऐसे लिखा हुआ आ जाए, और साथ में वो पीएम भी लिखा हुआ आ जाए कि 9 PM, 7 PM, 8 PM। तो वो मैंने ऊपर बना के रखा हुआ था, राइट, ये मैंने ऊपर बनाया हुआ था ना इसका फॉर्मेट। तो मैंने कहा ये मोमेंट जेएस और ऐसे करके ले आओ यहाँ पे। तो मैंने कहा ये मन की जगह क्या करना है मुझे, यहाँ पे टेम्पलेट लगाओ और ये चीज़ करो, और इसके ये जो टाइम है मेरा, ये टाइम मुझे कहाँ से मिलेगा? ये टाइम मेरे पास मौजूद है ईच आइटम के अंदर, मौजूद है ईच आइटम डॉट, क्या था वहाँ देखना पड़ेगा हमें कॉन्सोल, अभी हम फायरफॉक्स पर पूरी तरह से आ चुके हैं। तो फोरकास्ट को मैंने खोला, लिस्ट को खोला मैंने, और लिस्ट का एक आइटम खोला मैंने, तो मुझे टाइम किस फॉर्म में मिलता है यहाँ पर? मुझे डेट अंडर स्कोर टेक्स्ट के फॉर्म के नाम से ना ये सेम चीज़ मिल रही होती है। तो मैं करूँगा कि ईच आइटम डॉट डी टी अंडर स्कोर टेक्स्ट, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा? उससे मुझे ये टेक्स्ट फॉर्म में जो मिल जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में मिल जाएगा मोमेंट को इसका, और मोमेंट उसको फॉर्मेट कर देगा मंडे 9 PM ऐसे करके। देखते हैं अब क्या होता है। सही है, मंडे 6 PM, मंडे 9 PM, ट्यूसडे 12 PM। क्या इसके साथ साथ मुझे डेट भी चाहिए? मेरे ख्याल शायद चाहिए, शायद चाहिए। वो दो में मंडे दिखा रहा है क्योंकि 3-3 आवर का फोरकास्ट है ना। तो 6 PM अभी हो रहा है अगला, तो 6 के बाद 9 है, 9 के बाद डायरेक्ट 12, तो 12 पे दिन चेंज हो जाता है, फिर 3 AM पर अगला है, फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे पूरा चल रहा है, ठीक है, फिर ट्यूसडे है, अब ये वेनसडे हो जाएगा, ये वेनसडे हो गया। तो ये हमारा ना प्रॉपर एक वेदर एप्लीकेशन बन चुकी है। अभी ये हेज है शायद। अच्छा, वेदर का डिस्क्रिप्शन भी हमने नहीं लिखा हुआ, वेदर का डिस्क्रिप्शन भी ज़रा डिस्प्ले करवा देते हैं यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन है, हाँ, डेट भी डिस्प्ले कराना मुझे लग रहा है, शायद हमें ज़रूरत है डेट की भी ना। तो मैं इसको एक और ज़रा करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ डेट टॉप पे आए कि 5th September ऐसे करके आए। तो 5th September अब कैसे आता है इसके अंदर, वो देखना पड़ेगा हमें जाके वहाँ उनके चार्ट में से, ये मोमेंट्स जेएस। अब 5th करके कैसे लाऊं मैं, डे वाले पे होगा ना। अच्छा, एक तो ये हो गया सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर मुझे 3 M लिखने से सेप्टेम्बर मिलता है, तो मैं पहले ना 3 M लगा देता हूँ, ये नेक्स्ट जो फॉर्मेट है ना इसमें 3 M लगा दिया मैंने, इससे सितंबर मिल गया। और मुझे अब 5th ऐसे करके चाहिए, 5th या डे 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 ऑफ मंथ, ये रहा DO, गुड यार, DO, ठीक है, तो DO से 5th मिलेगा और उसके बाद सितंबर मिल जाएगा। अच्छा, और मुझे चाहिए ये ऊपर आए, 5th September ऊपर आए, और नीचे उसके बाद लिखा हुआ है मंडे 5 PM, या बल्कि मे बी मंडे 5th September हो और नीचे 5 PM आ रहा हो, मे बी ऐसे हो। तो मैं इस DD को भी निकाल के यहाँ ले आता हूँ कि मंडे 5th September और नीचे सिर्फ क्या लिखा हुआ आ रहा हो, 5 PM, 9 PM, 10 PM ऐसे आ रहा हो, ठीक है। मंडे 12th September 6 PM, मंडे 12th September 9 PM, 12 PM, 3 AM, 6 AM। सही है, डेट ऊपर मैंने पूरी प्रॉपर डेट मेंशन कर दी। सही है। अच्छा, जैसे भी मैं चाहूँ ना फॉर्मेट, मैं मिसाल के तौर पर सितंबर में सितंबर पूरी लिखा हुआ है स्पेलिंग, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है, मंडे पूरा लिखा हुआ है वो भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई मसला नहीं है। या मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि जैसे 12 है ना, 12/September लिखा हुआ है, सितंबर कौन सा महीना होता है भाई, 9th होता है ना, तो मैं 12/9 भी लिखवा सकता हूँ शॉर्ट रखने के लिए अगर मैं चाहता हूँ। तो 12/9 के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें देख लेते हैं फॉर्मेट में, ये 1 से लेकर 12 तक ना सिंगल M से मिलता है, तो मैं क्या करूँगा, M O बोर्ड आके सिंगल M कर दूँगा, ठीक है, सिंगल M हो गया, तो मंथ 1 से लेकर 12 तक मिलेगा फिर। और डे कैसे मिलेगा, सिंगल D से, सिंगल D से 1 से 31 तक मिलता है, तो सिंगल D सिंगल M भी लगा सकता हूँ मैं। सही है, मैंने सिंगल D स्लैश और सिंगल M ऐसे भी कर सकता हूँ मैं कि मंडे 9/8 और 10 PM। देखते हैं अब इसमें क्या होता है, ठीक है, तो मैंने ये ऐसे करवा दिया 9 PM, 9 PM शायद मैं चाहता हूँ नए लाइन में है, तो मैं एक BR मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे,
ठीक है, मंडे 12/9 6 PM 9 PM 12 PM तो मैं जैसे फॉर्मेट करना चाहूँ मैं मूवमेंट जीएस के ज़रिए कर सकता हूँ। इसमें मुझे और कुछ डिस्प्ले करवाना है क्या? हाँ, डिस्क्रिप्शन मुझे प्रिंट करवाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे वैसे बेस्ट रहेगा? सेंटीग्रेड के नीचे शायद बेस्ट रहेगा, है ना? इमेज के नीचे? नहीं, इमेज के नीचे नहीं, सेंटीग्रेड के नीचे डिस्क्रिप्शन फिर इमेज, है ना? ऐसे शायद सही रहेगा। वैसे जहाँ चाहे आप करवा सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने इस पेन को क्या किया, एक H1 के नीचे लेकर आ गया और मैंने बोला कि भाई ईच आइटम डॉट, अब कैसे मिलता है मुझे डिस्क्रिप्शन? ईच आइटम के साथ मुझे क्या मिलता है डिस्क्रिप्शन में? वेदर ना, ईच आइटम डॉट वेदर, और वेदर का इंडेक्स 0 और 0 डॉट डिस्क्रिप्शन DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। देखते हैं जी सही लिखा है मैंने या अगर गलत लिखा होगा तो मैं देख लूँगा जाके। लाइट रेन सही आ गया, ठीक है। स्टिल जो CSS है मेरी वो फंक्शनल है, बस गुजारे वाली है, लेकिन इसमें डिस्क्रिप्शन मैंने प्रिंट करवा दिया कि लाइट रेन और साथ में उसका आइकन भी आ रहा है। मॉडरेट रेन, ओवरकास्ट क्लाउड, ओवरकास्ट क्लाउड, लाइट रेन, लाइट रेन। चलो मेरा भाई सही है, स्कैटर्ड क्लाउड, फ्यू क्लाउड्स, क्लाउड ही क्लाउड चल रहे हैं, सही है। तो ये पूरा भाई दिखा रहा है आपको, जो जो आपको देखना है सब दिख रहा है, ठीक है। अभी भाई दबे थोड़ी देर पहले ये चेंज हुआ था, अभी ये रेनिंग शुरू हो गई है, लाइट रेन शुरू है बार। अभी थोड़ी देर पहले देखिए कुछ और आ रहा था लोगों, सही है भाई। तो ये वेदर की फॉरकास्ट की हमने ऐप क्या कर ली है, ऑलमोस्ट रेडी कर ली है। आज हमने नई चीज़ें दो सीखी हैं, नंबर एक इस पर आइकन लगाना सीख लिया हमने। अच्छा, आइकन के अलावा भी ना आप, यानी इन्होंने जो दिया है उसके अलावा भी आप लगा सकते हैं। जैसे ये आपको ये तो दे रहा है कि भाई क्या था 11D और 9D ऐसे करके, तो आप अपने पास भी ना एक एरे बना सकते हैं। आप 10-12 इमेजेस अलग अलग आप बना लें, अपने पास एक एरे बना लें, आप उन सब का URL उसमें रखवा दें और आप देखें 9D के अगेंस्ट जो है वो वाला उठा के लगा दें, ठीक है। तो मतलब वो कोड जो देते हैं ये, उस कोड को देखते हुए आप इफ एल्स लगा के ना अपना आइकन भी लगा सकते हैं। जैसे लास्ट सेक्शन में जो वेब डेवलपमेंट का जो चल रहा है उसमें लोगों ने वेदर ऐप बनाई थी, तो एक दोस्त ने किया था कि बैकग्राउंड की इमेज जो है ना, जो बैकग्राउंड की इमेज है उसमें जिफ एनिमेशन लगाई थी, और उसमें जिफ एनिमेशन में कि बारिश हो रही है बैकग्राउंड में, और फोरग्राउंड पे जो है मतलब फ्रंट पे थोड़ा सा जो बॉर्डर वाटर जैसे कार्ड्स जिस तरह बने हुए आ रहे हैं, ऐसे कार्ड्स बने हुए आ रहे हैं और बैकग्राउंड जो इमेज है ना इसकी, उसमें बारिश हो रही है, ठीक है। लेकिन वो बारिश वाली इमेज कब शो होती है बैकग्राउंड में? उसी वक्त होती है जब वो एक्चुअल रेन करंटली शो कर रहा होता है, और जब क्लीन स्काई है तो क्लीन स्काई शो करता है, ठीक है। जो इन्होंने भी बाय द वे ना, ये जो ये नई वाली ऐप आई है ना वेदर की, उसमें भी इन्होंने ये कर दिया कि अगर मैं वेदर ऐप ओपन करता हूँ तो ये ना पीछे जो क्लाउड है ना वो पीछे बैकग्राउंड में वही दिखा रहा होता है। अगर मैं किसी दूसरे सिटी का खोलूँ, अभी इस्लामाबाद में भी क्लाउड नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं आ रहा सिटी जिसमें क्लाउड। हाँ, वैंकूवर में देखो मैंने खोला तो क्लाउड चेंज होगा, ठीक है, ग्रीन वो हो गया, ब्लू हो गया ये। उसके अलावा दुबई में नाइट हो रहा है इस वक्त, तो पीछे नाइट स्काई शो कर रहा है। तो वेदर ऐप्स में आजकल ना ये थोड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि जो हो रहा होता है ना एक्चुअली वो दिखा भी देते हैं। क्या हो रहा है, वेदर लोड ही नहीं हो रहा, वेदर का डेटा पता नहीं क्या सीन है। वेदर का डेटा ही लोड नहीं हो रहा, अनअवेलेबल अनअवेलेबल। आ जा भाई, जहाँ जहाँ रात हो रही है वहाँ वहाँ डार्क दिखा रहा है। वेल, तो आपने जितनी कस्टमाइजेशन इसमें करना चाहें, जो आप सोच सकते हैं वो हो सकता है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सोचते हैं, ये डिपेंड करता है। अच्छा, अभी आपके पास जो है ना तकरीबन 11 o'clock तक है ना हमारी क्लास, सॉरी नहीं, टाइम तो ओवर हो चुका है आपकी क्लास का, वो 9 to 11 तो दूसरी क्लास होती है ना। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, जितना आप लोगों ने बना लिया ना उसका जल्दी से एक फेसबुक पे लाइव सेशन करते हैं, सब लोग ज़रा खोल लें अपने पास,
या नेक्स्ट क्लास में करें इम्प्रूव करने के बाद? अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास में ना ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये कोड भी पुश कर देता हूँ मैं, ये सब लोग ना अपने पास इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा, ये भी देख लीजिएगा जो गूगल पे मसला देता है, ये आप लोगों के पास भी क्या आ रहा है क्या, ठीक है, ये भी चेक कर लीजिएगा। मैं तो अभी रीस्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि चीज़ें कुछ खुली हुई हैं मेरे पास। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हमारे पूरे होंगे। आज तो बारिश की वजह से कुछ कम लोग आए, तो हमने आज इसको इम्प्रूव कर लिया। थैंक यू सो मच।